Yes, we were discussing structure of atom, right? In which we were discussing the average atomic mass. ठीक है जी, structure of atom. ठीक है, yesterday we had discussed about the average atomic mass. Two numericals we discussed. One numerical that is given in your book, that is the chlorine. All of you know the जो chlorine है, उसमें हमने कैसे करा था? क्लोरीन हैज अ टू आइसोटॉप. आपकी बुक में एक क्वेश्चन गिवन है, क्लोरीन हैज टू आइसोटॉप, 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37, राइट? एंड दे एग्जिस्ट इन द रेशियो, मतलब जो इनकी रेशियो है, बट दे आर गिविंग, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो, बट दे हैड नॉट गिवन द परसेंटेज. दे आर सेइंग दे एग्जिस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:1. ये 3:1 में वो कहते रेशियो है, बट दे हैड नॉट गिवन द परसेंटेज. ठीक है, अब नाउ इफ द रेशियो इज गिवन, ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज. अगर रेशियो गिवन है, हम करते हैं ना ऐसे 3+1, सॉरी 3+1 हो गया 4. अब हम कैसे करते हैं, 3/4 × 100. आती है रेशियो से परसेंटेज निकालनी? आती है कि नहीं आती? अगर नहीं भी आती, ये क्या है 3 रेशियो, ये क्या है 1. 1 रुपए के कॉइन में 25 पैसे कितने होते हैं? 4. मतलब अगर मैं 100% भी देखूं तो उसमें 25 25 25 25 के हिसाब से 4 होते हैं. ठीक है, 3:1 यानी कि 3 हिस्से इसके हैं. थर्ड पार्ट इज दिस, That means 75 is this, 25 is this, 100 हमारे पास टोटल है, 100 में से 3 अगर ये है तो 3 मतलब 75 पार्ट ये है और 125. अदरवाइज दोनों को प्लस कर लेते हैं, राइट? आफ्टर दैट एडिशन हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जो रेशियो निकालनी है, मतलब जिसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100, दैट इज दैट कम्स अ 75%. 1:4 sum of that one multiplied by 100, that is 25%. Means if it is given in the form of ratio, we can calculate the percentage by adding the ratios and then divide it. Is it clear? Bacha, is it clear how we calculate? Hanji, Dhairya, Bhavansh, Gagan, Jia, Harmeet, Havish, Liza, bete sabko clear hai? ठीक है, हाउ वी विल कैलकुलेट द रेशियो, मतलब रेशियो टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, राइट? अब नाउ वी आर हैविंग द टू परसेंटेज, दैट इज द 75% एंड 25. ये हो गया 75 एंड दिस वन इज द 25, राइट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास? दैट इज एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू द मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप मल्टीप्लाई बाय परसेंट प्लस मास ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय परसेंट डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, दिस फार्मूला वी विल अप्लाई. नाउ राइट डाउन द फर्स्ट मास, 35 मल्टीप्लाई परसेंटेज 75 प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप 37 मल्टीप्लाई परसेंट डिवाइडेड बाय 100. मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना आया? आया 105. देखो कितना आया है, 105 मल्टीप्लाई करके. हां जी धैर्य, अनम्यूट योर सेल्फ धैर्य. धैर्य अनम्यूट करो बेटा.
मैम 35 × 75 मैम 2625 आ रहा है। 2000 है? 2625 एक इतना ही आ रहा है? हाँ, कितना आया? 2625 पक्का इतना आया? जस्ट चेक करो, मुझे क्यों लग रहा है? मैम मैंने कैलकुलेटर भी करके देखा मैम, यही आ रहा है, 2625 ही आ रहा है। 35 × 75 दूसरा 925 यही है ना जो मैंने निकाला? ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसको ऐड करो, 2625 925। कुछ गड़बड़ की है रजे, जस्ट चेक इट आउट। और किसी ने निकाला है? हाँ जी दिव्या, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम 9 + 6 वहां पर आपने 6 लिखा है, 5 आएगा वहां पे ऊपर प्लस एडिशन में। कहाँ पे? 6 + 9 = 15 था। हाँ 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 ठीक है। Now it comes 3550 divided by 100, so it will come 35.5 years। ठीक है, और आपको पता है हम एवरेज एटॉमिक मास कितना लिखते हैं? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास वी यूज टू राइट डाउन द 35.5। इज इट क्लियर हाउ द एवरेज एटॉमिक मास एंड व्हाई वी आर यूजिंग 35.5 बाय एवरेज कैलकुलेटिंग द एवरेज एटॉमिक मास? And if it is given, देखो अगर आपको simply 3:1 में given है तो you will calculate the ratio, अगर आपको direct percentage given है तो you will solve it as, ठीक है जी, आपने इसको as it is solve कर लेना। अब इसी sum को अगर मैं इस तरह से change कर दूँ, suppose ये मैं sum इसी में change कर रही हूँ, ये देखो, if I am saying they exist in 35.5, average atomic mass is 35.5, you have to calculate the percentage, mass is given 35, तो percentage यहाँ कितनी होगी? Yes Jia, एक मिनट unmute कर रही हूँ मैं। Yes, yes Jia, but we will assume, yes, yes Titiksha, now we have to calculate the percentage, so what we will write down, mass of ma'am, the first may 35 into x and plus 37 into 100 minus x, yes, let the percentages of the first isotope that is x and second one ki kitni ho jayegi 100 minus x, jaise humne kal kara tha 16.2 u average atomic mass is given and we have to calculate, to hum first ko assume karte hain कि एक की परसेंटेज ए है और तो दूसरे की क्या हो जाएगी 100 माइनस ए। ठीक है, नाउ दिस इज एक्स प्लस 37 × 100 - x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो आप देखो 35x प्लस ये फिर वैसे इधर भी मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल मल्टीप्लाई विद दिस एक्स आल्सो 3700 - 37x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? आई एम डूइंग इट हियर, या मैं यहां करती हूँ, 35.5। देखो 35x - 37x - 2x प्लस 3700 डिवाइडेड बाय 100, ये इधर चला गया, 3550 हो जाएगा, माइनस 2x कितना आया माइनस करके?
माइनस माइनस कैंसल, 150 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 75. तो एक की परसेंटेज अगर हमारे पास 75 आ गई तो 100 माइनस 75 दैट वी कैन कैलकुलेट 25. प्रतीक्षा नाउ इज इट ओके, अंडरस्टैंड और नॉट दिव्या? बट यू अंडरस्टैंड, मतलब द क्वेश्चन देखो सेम स्टेटमेंट्स आर देयर बट वी हैव टू डू. यस जतिन अनम्यूट योरसेल्फ बेटे, मैं एक बार ये मेथड दोबारा बता दूं. व्हिच वन बच्चा? जो आपने मैम जिसमें आपने परसेंटेज अभी निकाल दी. मैं इरेज करती हूं, रुको आई विल टेल इट अगेन. देखो हमें पता है, आपको पता है कि एवरेज एटॉमिक मास फार्मूला जरूर लिखना है. आंसर फर्स्ट आइसोटॉप जतिन कल हमने करा था, ध्यान से देखना. कल हमने करा था एक आपको एलिमेंट है, मैं एक्स नहीं लिखती, मैं ए लिख लेती हूँ सो दैट आपको ना वन एलिमेंट इज ए. ठीक है, इसका मास नंबर 16.2 यू गिवन है. इट एग्जिस्ट इन टू आइसोटॉप 8A16, 8A18. Now you have to calculate. ये हमने कल करा था. Yesterday we had done. Now we have to calculate the percentage. ठीक है, एक numerical हमने ये कर रहे हैं. अभी जो हमने करा है chlorine वाला, we know the chlorine is having a 35.5. उसका average atomic mass है. Now you have to calculate 17 chlorine 35. इनकी परसेंटेज निकाल दोनों सम्स में. यस मैम. हाँ जी बेटे. मैम स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही. स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही. क्लियर है, क्लियर है. ठीक है मैम, क्लियर है स्क्रीन. मैम क्लियर है. एवरेज एटॉमिक मास 16.2 राइट, देन 16 इज द मास नंबर. अब यहाँ पे वी आर नॉट हैविंग एनी परसेंटेज, तो यहाँ पे जतिन वी विल एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस सपोज जो 8x16 है, 8a16 है, उसकी परसेंटेज है x. अगर आपकी एक परसेंटेज x आपने मानी तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, 100 माइनस x हो गई दूसरे की. यानी कि अगर मेरे पास 10 रुपी है तो आप 100 मतलब यहाँ आप मान लो कि 90 आपकी परसेंटेज हम बात कर रहे हैं कि 90% आपने स्कोर करे, कितने परसेंट आपके कम है तो वो कैसे निकलेंगे 100 माइनस 90. यहाँ पे एज्यूम करा कि इस सारे की परसेंटेज है एक्स और इसकी कितनी है, टोटल में से माइनस कर दी 100 माइनस एक्स. अब यहाँ हो गया 16 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 18 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100. ये 16.2 को इधर ले जाओ, 100 को पहले आप इसी को सॉल्व कर लो. ये आपके पास आ गया 1620. यहाँ रह गया 16x प्लस ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 1800 माइनस 18x. 1620 माइनस 1800 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 180 माइनस ये कट गया, ये आ गया 90% आ गया एक्स. जतिन देखो नहीं क्लियर हुआ तो यू कैन आस्क अगेन. अब जो क्लोरीन वाला है द सेम थिंग वी हैड डन, क्लोरीन वाले में 35.5 इज गिवन, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप 35, एक को एज्यूम करा एक्स तो दूसरे कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स. ये उधर ले जाओ पहले ही है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 35x प्लस 3700 माइनस 37x, ये आ गया 3550.
माइनस टू एक्स प्लस 3700 3550 माइनस 3700 इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस 150 माइनस टू एक्स माइनस माइनस कैंसल इट विल बिकम 75 एक्स आ गया इफ एक्स इज धैर्य एक मिनट बेटे इफ एक्स इज 75 तो वी कैन कैलकुलेट 100 माइनस एक्स 100 माइनस 75 दैट इज 25 35 वाला आइसोटॉप x माना था वो 75% है 37 वाला आइसोटॉप 25 ये जरूर ध्यान रखना किसकी परसेंटेज है उल्टा मत कर देना हाँ जी धैर्य हाँ जी धैर्य बोलो बेटे अनम्यूट कर लो मैम मैंने ये पूछना था जैसे एक कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एक परसेंटेज दी हुई और एक x दी हुई नहीं ऐसा नहीं होगा Either they will give ऐसा नहीं होता ना नहीं नहीं I am giving you the one or the sharing the screen one or two more numericals we will try wait a while एक सेकेंड मैं दे रही हूँ ये देखो now you can see the numericals ठीक है ये मैंने और निकाल लिए दो तीन फर्स्ट ये वाली न्यूमेरिकल करते हैं ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन मुझे स्क्रीन विजिबल है ठीक है धैर्य ठीक है हियर यू कैन सी नियोन हैज द टू आइसोटॉप नियोन 20 एंड नियोन 22 ठीक है जी Given the following abundance of these isotopes in nature, what is the average atomic mass? Now they had given the 90 and 10%. Calculate karo jara khud. All of you do it yourself and tell me the answer. Yes, do it. Neon wala karna pehle. Neon ka atomic number, all of you know, 10 neon 20 hai. और दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है 10 नियॉन 22 इसकी रेशियो आपको गिवन है 90% और सॉरी परसेंटेज एंड हियर इट इज 10% नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कितना एवरेज एटॉमिक मास आया इतना ही आया सबका जी बोलो दिव्या सेम आया ठीक है जतिन ओके है हाँ जी अनम्यूट कर सकते हो जतिन ओके बेटे क्लियर यस मैम सेम आया सेम आ रहा है तो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द Average atomic mass of any element. They can give you the they can ask you to calculate the average atomic mass. They can ask you to calculate the percentage. Formula remains the same. अभी एक और शेयर कर रही हूँ दोबारा देखो You can see in the second numerical, ये देखो सेकेंड वाले में व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन हैविंग द फॉलोइंग अबंडेंस इंफॉर्मेशन अब उन्होंने नाउ दे आर गिविंग यू द 3% एज यस्टरडे आई टोल्ड यू कि वी कैन आस्क यू बाय गिविंग यू 3 नंबर्स तो आपने वहां पे एडिशन कर देनी है कि मास ऑफ द थर्ड आइसोटॉप मल्टीप्लाई परसेंटेज लिख लेना जितने आइसोटॉप्स हैं यू विल एड ऑन अब आपका थर्ड न्यूमेरिकल है सिलिकॉन 28 29 30 तीन आइसोटॉप है 28 29 30 ठीक है ये उनके मास नंबर गिवन है ठीक है हम लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई 92.21 प्लस ठीक है दूसरा क्या है 29 मल्टीप्लाई 4.7 प्लस 30 मल्टीप्लाई 3.09
30 multiply 3.09 divided by 100. Now you have to calculate. Karo jara calculate. Kariye and tell me the answer. Now they had given the three isotope. So we will add the formula. Like hum yahan likh denge. Mass of third multiply by percentage. We will do like this. Hanji. Calculate the value. Okay. Yes, Brijesh. Next value kya hai beta? Bolo, unmute, you can unmute yourself. Brijesh, you can unmute yourself. Jatin, next value bolo. 136.3. Third. Then 92.7 divided by 100 है ना. अब इनको प्लस कर लो. यही आई है वैल्यू जतिन. यस मैम. 2810.8 डिवाइडेड बाय 100. डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल बिकम 28.10. हाँ 28.10 दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास. मतलब वेदर दे विल गिव यू द टू आइसोटॉप और द थ्री आइसोटॉप द फार्मूला विल रिमेन द सेम. यू हैव टू कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला एवरेज एटॉमिक मास. And if average atomic mass is given, then you have to calculate the percentage. If any doubt is there, you can ask. Hanji.